हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएस एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस क्वेश्चन को लेके। तो ये जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये शॉर्ट वीडियोज़ होंगी हमारी, सारे इंपॉर्टेंट वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उनको मैं एक एक करके, जो मुझे लग रहा है सही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, जो आपको थोड़ा इशू हो सकता है, उस क्वेश्चन को मैं यहाँ कवर कर रहा हूँ। अगर फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर जो टेलीग्राम की लिंक है वो आपको मिल जाएगी, वहाँ पर आप मुझे क्वेश्चन दे सकते हो और फिर उन क्वेश्चंस को मैं वीडियो के फॉर्मेट में आपको बताता रहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है इसमें कह रहे हैं कि ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ, मतलब ये तीनों आपस में क्या पैरेलल है। तो ए बी हमारा क्या हो जाएगा, देखो ए हमारा ये है और बी, तो ए बी ये लाइन है, ए बी पैरेलल टू सी डी और पैरेलल टू ई एफ, तो ये हमारा पूरा तीनों हो जाएंगे, ठीक है, ये वाली। तो ये तीनों पैरेलल है। अब यहाँ जब पैरेलल लाइंस हैं तो आपको दिया है ए बी जी, आपका जो ए बी जी 110 डिग्री दिया है और जी सी डी आपको कितना दिया, 100 डिग्री दिया है यहाँ पर, एंड ये वैल्यू आपको दी है एक्स डिग्री। तो आपको बताना है यहाँ पर एक्स की वैल्यू बताना है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी। देखो यहाँ एक चीज़ समझो आप कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और ये हमारी ट्रांसवर्स लाइन है तो इन दोनों एंगल का जो सम होता है वो हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री होगा। कितना होगा, 180 डिग्री, और इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री। तो ये जो एंगल है ये और ये एंगल, इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80 डिग्री हो जाएगी, समझ रहे हैं ये बात आप। और यहाँ पर ये 110 है तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू आपकी 70 डिग्री हो जाएगी भाई, कि यहाँ इन दोनों का ये एंगल और इस दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करके बनाऊँ तो ये आपका कुछ इस तरह का बनना है, ठीक है। तो ये आपका 80 डिग्री हो गया, ये आपका 70 डिग्री है और ये आपका x डिग्री है। तो इन तीनों का जो यहाँ से यहाँ तक एक लीनियर एंगल हो जाएगा और इन तीनों का जो सम होता है x प्लस 80 प्लस आपका 70 इज इक्वल टू आपका 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से हम x प्लस आप इनको ऐड कर लें तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 180 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री। तो यहाँ पर जो x का जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो ये आपका जो है वो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के जो है वो क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपको नहीं आ रहा तो आप मुझे डायरेक्टली उस क्वेश्चन का फोटो मुझे सेंड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में जो मैंने आपके लिए बनाया, ठीक है। आई होप कि आपको ये पूरी वीडियो समझ में आएगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, आई मती अहमद साइनिंग ऑफ। Thank you.